जानबूझ के हम डॉग कैट बॉय यही इसको कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आपको कोड याद आ जाए और चीज आपके दिमाग में जल्दी जल्दी चले, ठीक है ना। तो अब हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। आइए अभी हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या। यहां कुछ बात भी तो लिखे थे, क्यों नहीं यहां पर देख रहे हैं आप? अपोजिट वैल्यू ऑफ वर्ड ये भी तो लिखे हैं। जैसे डॉग का आप बताइए कितना होगा, 4, 15, 7 यही है ना। अब अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 15 और 7, 22 और 4, 26 का डबल तो हुआ नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 26 का डबल करके 3 और जोड़ा हो, ऐसे अभी सोचना तो पड़ेगा ना सभी तरह से। या फिर हम लोग सोचेंगे 26 का तो आधा भी तो नहीं किया, वहां 55 ही है, ज्यादा ही है, यानी ज्यादा तब है जब मल्टीप्लाई हुआ है। खैर कुछ नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका। तो यहां पर हो गया 24, 24 का डबल करेंगे 48, और 3 अगर जोड़कर जैसे यहां किए थे तब भी नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग सोच में पड़ गए कि प्लस करने से भी नहीं हुआ, इंटू करने से भी नहीं हुआ, डिवाइड करेंगे तो कम हो जाएगा लेकिन उसे ज्यादा ही है यानी इंटू ही हुआ है। तो अब हम लोग तुरंत सोचेंगे कि क्या हुआ। तो इसीलिए तो हम आपको नंबर कोडिंग में क्या बोले थे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, ऐसा आता है और आप नहीं कर पाते हैं, बट अब कर पाएंगे क्योंकि एक एक चीज को हम पकड़े हैं। अभी आपको समझ में आ रहा होगा किस लेवल का हम आपको करवा रहे हैं। तो हम अब समझ गए कि इसमें क्या क्या होता है नंबर कोडिंग में। तो अपोजिट वैल्यू ऑफ वर्ड, तो अपोजिट दोनों मिला के कितना होता है आप जानते हैं ना, 27 होता है, 27 होता है, पहला वीडियो देखना। तो देखिए यहां 4 है तो यहां पर कितना होगा, 15 है तो कितना होगा, 7 है तो 20। अगर हम ये सभी को जोड़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि अरे ये तो 55 आ गया। इसका मतलब अब यहां पर फिर अपोजिट करेंगे, दोनों मिलाकर 27 होता है, तो यहां पर 3 है तो यहां पर कितना हुआ होगा, 24, यहां 1 है तो कितना हुआ होगा, 26, यहां 20 है तो कितना हुआ होगा, 7। अब देखिए इसको 13 और 4 17, अरे 57। तो अब हम पूरा परफेक्ट हो गए कि बॉय का जो कोड होगा उसको तो पहले हम लोग लिखेंगे और उसका उल्टा वाला होगा। तो B2 15 25, अब यहीं से हम लोग इसका उल्टा कर लेंगे ना, अब ऊपर में जगह नहीं है तो जबरदस्ती ठूस कर लिखिएगा। तो यहां से देख लो 27 होगा, 27 होगा मतलब 2 है तो 25 होगा, यहां 15 है तो कितना होगा, 12 होगा, यहां 2 होगा तो इसको जोड़ दो, 39। यानी अपना आंसर क्या होगा, आया समझ में। तो कभी अगर यहां पर कुछ ना बने तो हम इन्हें लिख दिया है उसको देखिए और वहां से दिमाग लगाइए कि हो सकता है कि वहां से हो। अब एक बात पता चलाना, सभी को जोड़ने से अगर बहुत ज्यादा आ रहा है मतलब इंटू हुआ है, कम हो जा रहा है मतलब डिवाइड हुआ है, क्योंकि इंटू होने से ज्यादा होता है, डिवाइड होने से कम होता है। अभी मान लीजिए सबको जोड़ के डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, या डबल करके कुछ कम कर देगा तो जितना यहां कम करेगा यहां भी कम होना चाहिए, वो भी तो नहीं हुआ। डबल करके कुछ जोड़ देगा तो वो तो बराबर होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। तो अभी समझ गए कि अपोजिट वैल्यू। आइए अब आप बगल में लिख दीजिए अपोजिट वैल्यू अपना क्वेश्चंस के पास, है कि नहीं। क्या हुआ है आइए यहां पर हम लोग जानते हैं। डॉग का बोलो 4, 15, 7। अब और अपने पास दिमाग लगाने का नहीं है क्योंकि और तो कुछ दिया ही नहीं है, यानी हाई लेवल का दिमाग लगाना पड़ेगा अभी। और अपने पास हाई लेवल क्या, उससे भी लेवल ऊपर का दिमाग है, हम लोग यूज नहीं कर रहे थे तब, अब तो यूज कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ कि जोड़ने से 15 और 7, 22 और 4, 26 है ही नहीं। सभी को ऐसा भी नहीं लिख दिया गया कि 4, 15, 7, ऐसा भी नहीं लिखा है कि भाई 4, 15, 7 लिख दिया, यहां नहीं लिखा है 4, 15 और 7, तो कैसे लिखा है। तो हम लोग को तुरंत समझ में आ गया यहां 4 है, 9 है, 15 है,
31 है, 7 है, 15 है, यानी डबल करके एक जोड़ा गया है, 4 का डबल 8 और एक 9, 15 का डबल 30, यानी पहले इंटू किया और उसमें प्लस 1 कर दिया गया। ये देखिए 15 दुनी 30 और 1 31, 7 दिन 14 एक 15। अब आप लोग बताइए क्लास 11 में 12 में या फिर ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट रीजनिंग का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलिए। अरे तो आप लोग आवाज उठाइए, बाकी चीज पढ़ के क्या फायदा है। तो अब यहां पर कैट का क्या होगा बोलिए, 3, 1, 20, तो 3 का डबल करेंगे प्लस उसमें 1 करेंगे, यानी 3 का डबल किए तो 6, उसके साथ 1 तो 7। अरे ये इसका 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 3 का हुआ ना, इसका तो हम लोग लिख दिए। 1 का डबल 1 का डबल 2, 2 के साथ 1 करेंगे तो 3। 20 का डबल 40, उसके साथ एक और जोड़ देंगे। तो देखिए ये कहां पर है, 7, 3, 41। तो क्या हुआ कि जो उसका प्लेस वैल्यू आया उसको डबल करके 1 जोड़ दिया। हम लोग भी वही काम कर दिए, 3 का डबल किए 6, एक साथ जोड़ दिए तो 7 हो गया। क्योंकि यहां जैसे देखिए 4 का डबल था कि नहीं, यानी 4 इंटू 2 था प्लस 1 था, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो 7 होगा। इतना लिख के करेंगे क्या, बढ़े आगे। क्या होगा, ए ऑप्शन हो गया। देखिए दिमाग खुल गया तो फटाफट आंसर बाहर आने लगा, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। देखिए कैसे किया, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग जल्दी से यहां बताइए, डॉग का 4, भाई अब यहां पर हम देखेंगे कि यहां जो नंबर है ये तो जोड़कर तो लिखा नहीं गया है, जोड़कर लिखेगा तो इतना बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब जरूर इसी का कुछ डबल उबल किया है। अब हम लोग का ये दिमाग में आ चुका है। अब एक बात समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी यहां पर वर्ड दिया है और नंबर बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया या तो अपोजिट है, या तो अपोजिट है और अपोजिट करके सेम टू सेम लिख दिया गया है, या फिर नीचे या अपोजिट को डबल करके कुछ किया है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर जैसे ही 4 आया तो हम लोग का दिमाग में तुरंत बात आ गया कि 27 होता है तो यहां पर 23 होगा, और हमारे दिमाग में आ गया कि ये 23 दिख रहा है तो हम समझेंगे भाई 27 होता है, 27 होता है, ये बात पता है ना, यहां से देख लो 27 होता है कि नहीं। ये देखो 26 और 1 27, 25 2 27, 24 3 27, देख लो। इतना देर से समझा रहे थे ऊपर और नीचे जोड़ने से 27 होता है, यानी इसका जो वैल्यू नीचे होगा उसका ऊपर वैल्यू अलग होगा। जैसे डी का वैल्यू यहां पर देखिए 4 है, तो अभी आप लोग को पता चल गया कि अपोजिट वैल्यू ऑफ वर्ड अभी तुरंत बनाए थे, तभी तो आप लोग का दिमाग में तुरंत आ गया ना बात। अब देखिए ऐसे भी हो सकता था कि 23 के जगह 25 कर देता, यहां 15 है तो यहां पर कितना होगा 12, तो 12 का 12 लिखा है, और यहां पर 20 होगा क्योंकि ऊपर और नीचे कितना होता है 27 होता है, ये तो आप जानते ही हैं। बट अभी हम देखे एज इट इज वही लिख दिया, ऐसा नहीं भी तो लिख सकता था, अपोजिट में कुछ जोड़ देता या अपोजिट का डबल कर देता, अपोजिट का हाफ कर देता, बहुत तरह से कर सकता है। बट अपने को पता चलना चाहिए कि नंबर कोडिंग में कितना तरह से आ सकता है। तो यहां पर भी हम केट को वही देख लेते हैं, सी कितना है, ये कितना है 1 है, तो देखिए यहां पर उल्टा साइड में कितना होगा 24, ये देखिए 24 लिया है, 1 है तो कितना होगा 26, तो 26 लिया है, इसका कितना होगा 20, तो ऊपर में 7 होगा। अब इसी के अनुसार हम लोग बी ओ और वाई तीनों का पहले देख लेते हैं, कितना होगा 2, 15, कितना 25। अब यहीं से दिख जाएगा कि इसका अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट कितना होगा 25, इसका अपोजिट कितना होगा 12, इसका कितना होगा, तो यहां पर यह है 25, 12। और उम्मीद करते हैं एक एक चीज आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा।
इस बार ऑप्शन नहीं देंगे ताकि आप सोच पाएंगे। ऑप्शन रहने से कम कम सोचा जाता है, आप ऑप्शन को देख के निकालते हैं, नो डाउट ऑप्शन देख के ही निकलता है, बट थोड़ा दिमाग लगाइए ना, जब इतना सीख गए तो दिमाग लगाइए थोड़ा। बॉय को 267 लिखा जाएगा, उसी कोड में होटल को 86253 लिखते हैं, तो हम केट को कैसे लिखेंगे? आप लोग भी पहले लिख लीजिए, वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए और फिर आप लिखिए, दिमाग लगाइए। आप बोलेंगे सर ऑप्शन, इसलिए तो ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। यहां पर हम सब कुछ बता चुके हैं आपको, बट हम थोड़ा हिंट भी कर देंगे। सभी तरह का हम आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, खाली एक एग्जाम्पल बाकी है। नंबर को मतलब आप बोलते हैं कि नंबर को प्लस कर दिया है, यानी एड ऑफ प्लेस वैल्यू, एड किया गया प्लेस वैल्यू ऑफ वर्ड को। तो y का कितना होता है 2, o का बोलिए, y का 25, तो इसको जोड़ा गया है तो 2 का 2 लिखा, इसको 6 लिखा है, 5 और 2, यानी क्या किया कि जिसका जो प्लेस वैल्यू है उसको लगता है जोड़ दिया। देखिए तो क्या यहां पर भी ऐसा किया गया है, देख लेते हैं। मैंने क्या बोला सो देखो, 2 तो 2 ही हुआ और ओ का जो प्लेस वैल्यू 15 है उसको जोड़ दिया, 1 और 5 और 6 लिख दिया, इसी तरह से 25 को जोड़कर 5 और 2 7 लिख दिया। तो चलिए यहां पर भी चेक कर लेते हैं, होटल एच कितना बोलिए, इसको बोलो टी बोलो ई बोलो एल बोलो 12। तो अब पता चल गया कि बात तो सही है, 8 का तो 8 लिखा, 5 और 1 6, 2 और 0 तो 2। आप बोलेंगे सर कैसे, अरे जोड़ो ना, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 नहीं आएगा। अब ये 5 का तो 5 लिख दिया और 12 को 1 प्लस 2 3 लिख दिया। जब अब हम यहां तक पहुंच गए तो हम थोड़ा आपको ऑप्शन दे देते हैं। आप बोलेंगे सर देने का दरकार नहीं, अरे गुस्सा काय करते हैं, ऑप्शन दे देते हैं ना अच्छा लगेगा। और अभी आपने सी तुरंत बोल दिया और साथ ही साथ आपके चेहरे में मुस्कुराहट भी आ गई, क्यों? क्योंकि आपको बहुत ही आसानी से बात को समझ गए हैं। सी का कितना होगा बताइए, प्लेस वैल्यू बताइए, 3 1 20। अब इसको जोड़ेंगे 3 का तो 3 लिखेंगे, 1 को जोड़ने से तो 1 ही होगा, और इसको जोड़ेंगे 2 और 0 तो 2 होगा, तो 312। देखिए अभी वेस्ट बंगाल में जब वोट का सीजन चल रहा है तो उससे एक सवाल ना दें तो फिर मजा नहीं आएगा। वोटर वोट देगा, यानी इलेक्शन होगा, इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन में वोटर वोट देंगे और फिर जो भी जीतेगा वो क्या बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगा। तो वोटर को अगर किसी कोड में 5 बोला जाता है, इलेक्शन को 8 बोला जाता है, तो गवर्नमेंट को कैसे किए? अच्छा अच्छा पूरा लेटर को प्लस कर दिए, यानी लेटर भी प्लस होके हो सकता है, एड ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेटर, यानी आप आराम से गिने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आप लोग आंसर ही बोल दिए इतना जल्दी से, देखिए दिमाग चलने लगा ना। तो आइए अब हम लास्ट टाइप इसमें करवाते हैं।